नमस्कार दोस्तों, AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है। यह वीडियो हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 15 है। इससे पहले 14 वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जो 14 वीडियो हमने शब्द अर्थ की बनाई है। जब हम हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, मात्राएँ सीख जाते हैं, तो हमें हिंदी के शब्द ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम अलग अलग शब्द कैसे, हम एक ही शब्द की जगह दूसरा शब्द यूज़ करके उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छे से बोल सकते हैं, कैसे अगर किसी ने शुद्ध हिंदी बोली है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको शब्द ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, शब्द अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शब्द अर्थ याद नहीं करेंगे, शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा आपको, तब तक आप अच्छे से हिंदी को पढ़ लिख या समझ नहीं सकते हैं। अच्छे वक्ता जो होते हैं उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए शब्द अर्थ की सीरीज़ बना रहा हूँ, जो आप लोगों ने पहले भी 14 वीडियोस को बहुत पसंद किया है। और बहुत लोग बोलते हैं जो पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं या कॉलेज के बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी के शब्दों में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो लोग भी बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर हमारे लिए शब्द अर्थ की सीरीज़ बना दीजिए। और ये सीरीज़ मैंने रोक रखी थी, कुछ दिनों से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये सीरीज़ मैं दोबारा से अपलोड करूँगा। 20 वीडियो तक, 14 से लेकर 15 से लेकर 20 तक वीडियोस अपलोड करूँगा। तो लगातार इस सीरीज़ को भी प्यार कीजिए, और अगर आप रेगुलर इन वीडियोज़ को देखेंगे, अच्छी मात्रा में देखेंगे, तो मैं इसकी और लंबी सीरीज़ को भी खींच कर ले जाऊँगा। तो इन वीडियोस को, जो भी शब्द मुझे मिलते हैं, मैं उनका अर्थ आप लोगों के सामने रखता हूं। और इनके अलावा अगर आपके पास और भी शब्द हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उनके अर्थ लिखकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन वो शब्द 20 से 30 शब्द होने चाहिए, यानी कि आप दो दो शब्द लिख के भेजें। एक कॉपी पर लिखकर जो भी आपके कठिन शब्द हैं या शब्द अर्थ आपको पता नहीं है, मुझे लिखकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है? वंदना। जैसे हमें भगवान की, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। अब स्तुति कहे या वंदना, एक ही बात है। अगला शब्द है आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा। आवरण का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से ढका हुआ है, जिसे हम सिंपल भाषा में पर्दा भी कहते हैं। पर्दा क्या करता है? किसी चीज़ को ढकने का काम करता है। हीन भावना। हीन भावना का मतलब होता है तुच्छ समझना। अगर हम किसी को हीन भावना से देखते हैं, हीन का मतलब क्या है कि ये तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है, इसके बस का तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, तो बहुत तरह से हीन भावना से लोगों को देखा जाता है। तो हीन भावना का मतलब क्या होता है? तुच्छ समझना, किसी को बहुत छोटा समझना। प्रतिबंध। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना। जैसे अभी बाहर निकलने पर कुछ दिनों पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, बाहर निकलने पर रोक लगा दिया गया था। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता भ्रष्ट का मतलब होता है कि गलत रास्ता, ठीक है? तो पथ भ्रष्ट का मतलब क्या हुआ? मार्ग से भटकना, किसी मार्ग से भटक जाना, अच्छे मार्ग से भटक कर बुरे मार्ग की तरफ बढ़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं कि वह पथ भ्रष्ट हो चुका है, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है वो। भले मानुष। भले मानुष, भले का मतलब होता है सज्जन, अच्छे, मानुष का मतलब व्यक्ति, तो भले मानुष का मतलब सज्जन व्यक्ति। तीव्र। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज या अधिक, ठीक है? मुझे तीव्र गति से ज्वर आ रहा है, मतलब मुझे बहुत अधिक ज्वर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है मेरा, तो तेज भी होता है और अधिक भी होता है। क्षणक। क्षणक का मतलब होता है टूट फूट जाना, जब कोई चीज़ टूट फूट जाती है, इधर से उधर हो जाती है, उसे हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? क्षणक। निर्दय। निर्दय का मतलब दयाहीन, जिसमें कोई भी दया का भाव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्दय। दय का मतलब किससे लिया गया है? दया से। निर का मतलब जिसमें बिल्कुल भी ना हो, तो ये क्या बन गया? निर्दय। निर्दय का मतलब दयाहीन। बैकुंठ। बैकुंठ का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, ठीक है? वो बैकुंठ को सिधार गए, मतलब वह स्वर्ग को सिधार गए, तो बैकुंठ को यहाँ पर स्वर्ग का नाम दिया गया है। अगला शब्द है वैभव। वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, भव्यतापूर्ण। वैभव का मतलब उसका बहुत वैभव है, वो बहुत वैभवशाली व्यक्ति है, मतलब उसका ऐश्वर्य है, भव्यतापूर्ण है, उसमें कुछ ऐसा है जो देखने लायक है। जैसे कि ऐश्वर्या राय हमारी हीरोइन है, उनको भी एक वैभव माना गया है, ऐश्वर्या माना गया है, और उनका नाम भी ऐश्वर्या ही है। प्रख्यात। प्रख्यात का मतलब सुप्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध का मतलब जिनको सब कोई जानता हो, जैसे मोदी जी हो गए हमारे, अमिताभ बच्चन हो गए, या हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास हो गए। अभिभूत। अभिभूत का मतलब प्रसन्नता में बह जाना, जब किसी की प्रसन्नता में बह जाते हैं, खुशी खुश हो जाते हैं। जैसे दशरथ ने कैकेयी जी को वर मांगने की
वर मांगने के लिए कह गया था, वह अभिभूत हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, प्रसन्नता में बहकर उन्होंने कह दिया था कि आप बाद में भी मांग लीजिएगा जो भी वर मांगना हो आपको। तो हमें अभिभूत होकर किसी को भी कुछ भी कह नहीं देना चाहिए, सोच समझ कर कहना चाहिए, प्रसन्नता के भाव में बहकर नहीं करना चाहिए। ओके, अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब ऊंचा उठना, ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी। अब देखिए ये पौष, जब आधा श लिखते हैं ना ऐसे, ये आधा श है, शलगम वाला श, इसको अगर आप कंप्यूटराइज टाइप करते हैं ना तो वो ऐसा श बन जाता है, ठीक है, और ये च का चा बन जाता है। तो ये याद रखिएगा, आगे अगर किसी वीडियो में होते हैं, हमारी टाइपिंग में ये चीज़ ऐसे ही टाइप होती है। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी, मतलब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिमी देशों की तरफ। प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव, हमेशा जीवन का प्रवाह चलते रहना चाहिए, या जीवन का प्रभाव चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है प्रवाह, ठीक है। प्रवाह मतलब बहाव, बहाव बहता रहता है, नदी का प्रभाव हमेशा प्रभाव बहता रहता है। सल्तनत, सल्तनत का मतलब राजसत्ता, किसकी कितनी सल्तनत थी, ये हिस्ट्री में शब्द यूज़ किया जाता है, मतलब उसकी राजसत्ता कहाँ तक थी, कितने समय तक उसकी राजसत्ता थी, उसे हम सल्तनत कहते हैं। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अगुवाई करना, किसी चीज़ की अगुवाई करना, प्रतिनिधित्व करना। प्रतिवाद, प्रतिवाद का मतलब विरोध, किसी का प्रतिवाद करना, विरोध करना, ठीक है, हमें गलत चीज़ों का प्रतिवाद करना चाहिए, हमें गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। निनाद, निनाद का मतलब क्या होता है, जोर से आवाज़ करते हुए, जैसे पुराने समय में युद्ध होता था तो निनाद बजाया जाता है, जोर से कहा जाता था, सूर्यास्त का समय हो गया, ऐसे करके निनाद जोर जोर से जब आवाज़ लगाते हुए करते हैं उसे हम निनाद कहते हैं, ठीक है। एक बार सारे शब्द मैं पढ़ लेता हूँ फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्तुति वंदना, आवरण पर्दा, हीन भावना तुच्छ समझना, प्रतिरोध रोक, पथ भ्रष्ट मार्ग से भटकना, भले मानुष सज्जन व्यक्ति, तीव्र तेज अधिक, क्षणक टूट फूट जाना, निर्दय दयाहीन, बैकुंठ स्वर्ग, वैभव ऐश्वर्य भव्यतापूर्ण, प्रख्यात सुप्रसिद्ध, अभिभूत प्रसन्नता में बह जाना, उत्कर्ष ऊंचा उठना, पाश्चात्य पश्चिमी, प्रवाह बहाव, सल्तनत राजसत्ता, प्रतिनिधित्व अगुवाई, प्रतिवाद विरोध, निनाद जोर से आवाज़ करते हुए। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे शब्द हैं निष्कासित। निष्कासित का मतलब क्या होता है, निकाल देना, कहीं से किसी को निकाल देना, किसी पद से हटा देना। तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, जैसे तत्कालीन स्थिति में ये काम हो रहा था, जैसे आज के समय में तत्कालीन स्थिति में YouTube था, अगर हम आगे बात करेंगे तो, ठीक है। अनायास, अनायास का मतलब होता है अचानक, जो एकदम से हो जाए, तुरंत एकदम से अपने आप हो गया, हम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे लेकिन अपने आप हो गया, अचानक हो गया, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अनायास। निरंकुश, निरंकुश का मतलब क्या होता है, बेलगाम, ठीक है, बेलगाम। रील्स क्या है, आज निरंकुश हैं, कोई रील्स आप जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सरकार पर भी इसका कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, तो ये निरंकुश है, इस बेलगाम है, इस पर अंकुश होना चाहिए, ठीक है। आचार्य, आचार्य का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, जैसे विशेषज्ञ विशेष जानकारी रखने वाले को कहते हैं, गुरु कहते हैं जो आपको पढ़ाता है, इसी तरह आचार्य की पदवी होती है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत में आचार्य होते हैं, ठीक है, या वेदों का ज्ञान जिन्हें होता है उन्हें आचार्य कहते हैं, जैसे एक आचार्य प्रशांत जी को आप जानते होंगे, उनकी वीडियोज़ भी देखते होंगे आप। अनैतिक, अनैतिक का मतलब होता है गलत, अनुचित, जो गलत है, अनैतिक है, नीति के रूप से नहीं है, जैसा लिखा गया है, जैसे रूल रेगुलेशन है वैसा नहीं है, वो क्या होती है, अनैतिक। जैसे कि महाभारत में क्या हुआ था, जो कौरवों ने खेल खेला था, कीड़ा खेला था, वो अनैतिक था, वो गलत तरीके से खेला था। शोधार्थी, शोधार्थी का मतलब खोज करता, जो चीज़ों की खोज करता है उसको शोधार्थी बोलते हैं, ठीक है, शोध, शोध से बना हुआ है शोधार्थी। परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब होता है प्रौढ़ता, कि किसमें कितनी परिपक्वता है, प्रौढ़ता है, कोई कितना पढ़ा लिखा है, कितना परिपक्व है, कितनी चीज़ों को झेल सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिपक्वता, प्रौढ़ता। प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है, हमें प्रशंसा के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें काम के लिए काम करना चाहिए, अपने प्यार से काम कीजिए, प्रशंसा के लिए काम मत कीजिए, ठीक है। तो एक बार इन सभी शब्दों को फिर से पढ़ लेते हैं हम। निष्कासित, निकाल देना, तत्कालीन, उस समय के, अनायास, अचानक, निरंकुश, बेलगाम, आचार्य, विशेषज्ञ, अनैतिक, गलत या अनुचित, शोधार्थी, खोजकर्ता, परिपक्वता, प्रौढ़ता,
प्रशस्ति, प्रशंसा। अगर इसके अलावा और भी कोई शब्द हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं, उनके लिए भी हम शब्दार्थ की सीरीज़ आगे की सीरीज़ में उन शब्दों को भी हम जोड़ लेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से इनका अभ्यास भी किया होगा। सभी चीज़ों को सुन सुन कर लिखें ज़रूर, जब तक अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं, एक कॉपी बनाकर सभी चीज़ों को अच्छे से लिखिए। जो भी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं और अपने इतने अच्छे रिस्पॉन्स हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पर देते हैं। तो इसी तरह सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर इसी तरह और भी शब्द हैं, आपकी समस्याएं हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और जितना हो सकेगा उसका आंसर करते हुए हम एक वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो ये चैनल हिंदी पढ़ने लिखने का काम कराता है, हिंदी की जो समस्याएं उनको आसान भाषा में आप तक वीडियोज़ के द्वारा पहुँचाने का काम करता है। तो वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो जब भी हमारी वीडियोज़ आएगी, चाहे वो नाम लिखने की हो, चाहे वो कठिन शब्दों की हो, चाहे वो शब्दार्थ की हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण की हो या चाहे इमला अभ्यास की हो, हर चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया हुआ है। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप आसान है बता देते चैनल पर जाकर लैंग्वेज वीडियोज़ देख सकते हैं।